ऐसे जहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं एक नंबर से क्या लिखा है नोटिस, रुको जरा, पावर विल सबर करो, फ्रॉड कॉल है। अभी मैं लाइव डायरेक्ट कॉल कनेक्ट करके बेवकूफी करना है, चोरी करना है, तो स्मार्ट तरीका होना चाहिए। बीजी आ रहा है, अरे उठा नहीं रहा भाई, उठा नहीं रहा, कट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो उसके लिए बारे में कंज्यूमर नंबर बोलिए ना सर, मैं एक बार चेक करा सकता हूँ, क्रमांक नंबर बोलिए ना। जो फ्रॉड करते हैं किस तरह से आपको लूटते हैं लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको बेवकूफ बना के पैसे लूटा जाता है। सो गाइस, अभी ना मुझे बस 5 मिनट पहले एक मैसेज आया था, देखो मैसेज यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं एक नंबर से, क्या लिखा है नोटिस, डियर कस्टमर योर पावर विल बी डिसकनेक्टेड टू नाइट 9:35 PM बिकॉज योर लास्ट मंथ बिल इज नॉट अपडेटेड कॉल ऑन नंबर। मतलब क्या है, इस नंबर पे कॉल करो, आपका बिजली का जो भी मीटर है वो कट होने वाला है, ये फ्रॉड कॉल है। अभी मैं लाइव डायरेक्ट कॉल कनेक्ट करके दिखा देता हूँ वो एग्जैक्ट सामने वाला बंदा बोलता क्या है। वो गधे को पता नहीं, मैं हर महीने जिस दिन बिल आता है उसी दिन भर देता हूँ, और अभी मैसेज आया, मतलब यार कोई बेवकूफ़ी करना है, चोरी करना है, तो स्मार्ट तरीका होना चाहिए ना थोड़ा सा। तुम डायरेक्ट किसी को भी कर दे तो हर एक इंसान बेवकूफ़ थोड़ी होता है। ठीक है, तो अभी चलो लाइव कॉल करके देखते उसको कि क्या बोलता है। ठीक है, डायल करके उसका नंबर देखो, 83 नंबर उसका मैं बोलने वाला हूँ, 8329707603। चलो तो उसको डायल करते अभी नंबर, और स्पीकर भी ऑन करता हूँ क्योंकि मैं लाइव कंडीशन में मुझे अभी आया था। बिजी आ रहा है भाई, बिजी आ रहा है। देखो मैसेज आया उसका रिप्लाई कि आई एम इन मीटिंग राइट नाउ, आई विल कॉल बैक यू, मतलब कुछ टाइम के अंदर वो कॉल बैक करने वाला है। वेट करते हैं 2 मिनट। ठीक है, अभी तुरंत कॉल आए। अरे अरे उठा नहीं रहा भाई, उठा नहीं रहा। हेलो हेलो, अरे एक्चुअली पता नहीं है, थोड़ा सा काम था इसीलिए उठाया नहीं गया। मैं हमको कब से कॉल कर रहा हूँ, आपका मैसेज आया था कि वो बिजली का बिल कट हो रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए वो उसके लिए बारे में मैसेज आया था। क्या है वो मैसेज, कंज्यूमर नंबर बोलिए ना सर, मैं एक बार चेक करा सकता हूँ, क्रमांक नंबर बोलिए ना। 0240506 7586। हाँ लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ हाँ 7526 26। तो यही नंबर है, एक बार दोबारा कितने नंबर हो गए, वही तो नंबर बोल रहे हैं। हाँ हाँ 5 6 2 5 3 0। हाँ तो ना मैसेज क्यों आ गया था, बिल तो हमने पे किया नहीं, आपके पास पहुँचा नहीं क्या? बोल रहे ना, अरे सही यही नंबर तो है मेरे पास, प्रिंट हुआ हुआ तो मोबाइल नंबर से सर्च होता है क्या? नहीं मोबाइल नंबर से होता है सर, मोबाइल नंबर उसके साथ जुड़ा है इसीलिए तो मैसेज आया, तो सर्च होना चाहिए ना। तो गाइस देखो ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं, वो कॉल आप प्लीज़ रिसीव मत करो, ना तो उसको कोई रिप्लाई दे दो। मैसेज आया था मुझे कि लाइट बिल आपका भरा नहीं, तो आज रात को 9:30 PM मैसेज में जैसे कि आपने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी का मीटर वहाँ से कट कर देंगे, लेकिन मैं तो भाई आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि जिस दिन बिल आया और मैंने बिल नहीं पे किया। तो यही सबको कहना चाहूँगा कि बहुत सारे फ्रॉड कॉल आते हैं, तो आप उसको रिप्लाई मत करो, ना तो कोई रिस्पॉन्स करो, ना तो कोई कॉल उठाओ, ना कोई डिटेल आपकी दो, चाहे वो ATM की हो, अकाउंट की हो, कोई भी नहीं, क्योंकि ये फ्रॉड कॉल बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। आर्मी वाले का नाम लेके भी करते हैं, बैंक वाले का करते हैं, आधार कार्ड होता है, अयोध्या का टिकट बुकिंग का होता है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का बिल का होता है, तो ऐसे हज़ारों उनके पास आइडिया है। लेकिन आप बेवकूफ़ मत बनना, क्योंकि डिजिटल का ज़माना भले ही है लेकिन आपको होशियार बन के रहना है, वरना ऐसे से ठग लेंगे। क्योंकि मैंने उसको जो कंज्यूमर नंबर होता है वो गलत बताया, ठीक है ना,
इसको पता चल गया कि आदमी मुझे गलत बता रहा है, इसलिए उसने बोल दिया कि हाँ ये तो गलत बता रहा, कॉल काट दिया। कहने का मीनिंग ये कि मैं उसको बराबर लेने ही वाला था कि भाई तू फ्रॉड है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं कि मीटर वाले एक महीने के अंदर बिल आपका मीटर कट करने के लिए आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये एक आपको सबक था, लाइव मैंने बता दिया, तो ध्यान रखिएगा ये बात का कि किस तरह से आपको फ्रॉड करते हैं, किस तरह से आपको लूटते हैं लोग और आपका पैसा बैंक अकाउंट से निकाल देते हैं। तो डिटेल कभी भी शेयर मत करो, हमेशा अच्छी तरह से आपकी जो भी बैंक अकाउंट है, पर्सनल डिटेल है, अच्छी तरह से सेफ रखो और उसके बाद ही रिप्लाई करो कोई भी चीज़ का जेन्यून हो तो, बाकी नहीं। फ्रॉड का अगर कुछ भी आता है तो प्लीज़ होता है आपके साथ, तो ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हो, पुलिस स्टेशन जा सकते हो, लेकिन पहली बात तो यही कि आप ऐसी चीज़ों को रिप्लाई देना ही मत, ठीक है। तो बस यही आपको दिखाना था, हर जगह पे सेफ रहो। जितना डिजिटल का ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, उतना आपको बेवकूफ़ बनाने का भी ज़माना है। आप अगर बेवकूफ़ बन गए ना तो समझ जाना कि आपको पूरा लूट लेंगे वो, ठीक है। ऐसा कभी भरोसा मत रखना ऑनलाइन चीज़ों पर, पहले सोच समझ के रखो उसके बाद करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको बेवकूफ़ बना के पैसे लूटा जाता है, ठीक है। तो इनको लोग उन लोगों के पास ये वीडियो पहुँचना चाहिए कि कोई भी नंबर हो आप रिप्लाई मत करो जल्दी, उसको हमेशा पहले आइडेंटिफाई करो, वेरीफाई करो, उसके बाद ही रिप्लाई करो, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय। Subscribe करो, लाइक करो, दो लाइक करो।